इस वक्त जिस तरह की स्टार सिचुएशन चल रही है उससे इनके दिल में तमानियत पैदा होगी और उस तमानियत की वजह से नाराज़गियों का खात्मा होगा। उस तमानियत की वजह से शराकत दारी के कारोबार में इजाफे की उम्मीद है। अगर वो एक्यूरियस भी है और पार्टनरशिप करना चाह रहा है तो इस वक्त किया जा सकता है। नाराज़ फैमिली मेंबर्स के करीब आने के चांस बढ़ गए हुए हैं। उसके अलावा जो एडवांटेजेस हैं उसमें पछतावे का खात्मा, रिग्रेट लेसनेस आएगी लाइफ में, पछतावा कम होता जाएगा। जो पहले नुकसान हो चुके थे जब वो रिकवर होंगे एक उसकी वजह से पछतावा कम होगा, फिर दिल में जो इत्मीनान और मोहब्बत और जज्बा पैदा हो रहा है उसकी वजह से भी पछतावे में कमी आएगी। फैमिली के साथ सैर व सियाहत का मौका भी इसी हफ्ते मिल सकता है। एंड अजीज़ व अकारब की तरफ से मोहब्बत और फरमाबरदारी, सुलह और इज़्ज़त अफजाई ये मिल सकती है। किसी दोस्त की तरफ से भी ऐसी सपोर्ट हासिल हो सकती है। बट एक्यूरियस आर लिटिल बिट नॉन कम्युनिकेटिव, हालांकि ये कम्युनिकेशन के लिए मशहूर है, लेकिन इस वक्त जो स्टार ऑफ मर्करी है वो बैड पैच में है। थोड़ा सा मोहतात रहें। अगर लगे कि मैं अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर एक्वामेरीन ज़रूर पहने ताकि वो जो वीकनेस है एक सर्टन एरिया में वो रिकवर हो जाए। अच्छा, वैसे भी इन्हें देखिए शौक भी होता है ना लोगों को स्टोन पहनने का, ज्वेलरी के तौर पर भी पहनते हैं, वैसे भी वो चाहते हैं कि एक स्टोन पहना जाए, तो इन्हें जो है वो एक्वामेरीन ही पहनना चाहिए या ये ट्रीटमेंट स्टोन है इनके लिए? नहीं, एक्वामेरीन का बर्थ स्टोन भी है और ट्रीटमेंट स्टोन भी है, और एक्वामेरीन की केमिस्ट्री इतनी ताकतवर है कि एक्यूरियस को संभाल लेती है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये जो कीमती पत्थर हैं ये बहुत कम फैमिलीज़ हैं जो फॉर द फैशन पहनती हूँ, क्योंकि ये कोई बड़े ही खूबसूरत नहीं होते, बड़े ही खूबसूरत मतलब इंतहाई, जैसे हीरा है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जो दीगर पत्थर हैं वो थोड़े क्लमजी दिखने में थोड़े से। बात कर रहे हैं हीरा खूबसूरत कौन? हीरा। अच्छा, हीरा अलमास। ओके, डायमंड। डायमंड ठीक है।